हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, आज है 15 अक्टूबर और दिन है गुरुवार का। चलिए शुरू करते हैं आज की मॉर्निंग न्यूज। दोस्तों, अगर आप आने वाली परीक्षाएं लाइक एज आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी की परीक्षा, यूपी ट्रिपल एससी की लेखपाल भर्ती आदि परीक्षाएं, और इसके अलावा 2020 और 2021 के लिए अगर आप यूपीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ खंड शिक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उसको बहुत सरलता के साथ आप देख सकें। दोस्तों, आपको बता दें कि सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं में रजिस्ट्रेशन की जो डेट थी उसको बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया है, और जो अभ्यर्थी अभी 9 और 11वीं क्लास में हैं अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाए हैं, तो वो लोग 19 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। और देखिए, 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में जो 31,277 चयनित हुए हैं उनको नियुक्ति पत्र 16 अक्टूबर को दिया जाएगा। तो इसके बारे में एक दिशा निर्देश जारी हुआ है कि जिन 7 जिलों में विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं वहां परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 31,277 सहायक अध्यापकों के चयन में सफल अभ्यर्थियों को 16 अक्टूबर को नियुक्ति पत्र नहीं बांटे जाएंगे, इनको जो है पड़ोस के जिले में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके बारे में पूरी जानकारी यहां पर एक नोटिफिकेशन के माध्यम से दी गई है, ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर भी। तो इसमें ये लिखा गया है कि ये जिले हैं अमरोहा, जौनपुर, फिरोजाबाद, कानपुर नगर, देवरिया, बुलंदशहर और उन्नाव, और इनको जो है मुरादाबाद, अमरोहा का मुरादाबाद, जौनपुर को वाराणसी, फिरोजाबाद का आगरा, कानपुर नगर को कानपुर देहात, देवरिया का गोरखपुर, बुलंदशहर में गाजियाबाद और उन्नाव का लखनऊ में जो नियुक्ति पत्र होगा वो दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि उपरोक्त समस्त नियुक्ति पत्र वितरण की कार्रवाई माननीय निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त कर कराया जा रहा है। आचार संहिता यानी कि आदर्श आचार संहिता की दृष्टिगत रखते हुए जिन जनपदों में उपचुनाव हो रहे हैं वहां सफल अभ्यर्थियों को उनके नजदीक के जनपद में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके बारे में यह भी कहा गया है कि अमरोहा, जौनपुर, फिरोजाबाद, कानपुर नगर, देवरिया, बुलंदशहर और उन्नाव द्वारा सफल अभ्यर्थियों को उपरोक्त प्रस्तर 2 के अनुसार अपने निर्धारित जनपद में पहुंचने के लिए परिवहन की व्यवस्था की जाएगी, ताकि ससमय माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम से पूर्व प्रत्येक दशा में अभ्यर्थी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर अपना स्थान ग्रहण कर सके। जनपद मुरादाबाद, वाराणसी, आगरा, कानपुर देहात, गोरखपुर, गाजियाबाद और लखनऊ द्वारा अपने जनपद में उपरोक्त प्रस्तर 2 के अनुसार निर्धारित जनपद से आने वाले सफल अभ्यर्थियों के साथ साथ अपने जनपद के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक व्यवस्था कराई जाएगी। तो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यानी कि जो अभ्यर्थी इन 7 जिलों से संबंध रखते हैं उन्हें अपने जो है डायट से संपर्क जरूर करना चाहिए, ताकि आगे की जो कार्रवाई है और जो भी आगे करना है उसकी पूरी जानकारी उन्हें प्राप्त हो सके। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो नई सूची 31,661 की जारी हुई है उसमें कुछ अभ्यर्थी, कुछ नहीं बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे वो संतुष्ट नहीं थे। तो शिक्षक भर्ती की जो अनंतिम सूची से बाहर हुए मिर्जापुर के संजय कुमार यादव की ओर से हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई थी, इसके बारे में कल मैंने आपको सूचना दी थी, लेकिन बुधवार को हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं हो सकी, गुरुवार को भी सुनवाई होने के आसार नहीं है। तो याचिका के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी ने बताया कि अब कुछ दिन बाद ही सुनवाई होने की उम्मीद है। और 69,000 शिक्षक भर्ती प्रथम चरण की भर्ती में प्रदेश भर में 90% से अधिक लोगों ने काउंसलिंग करवाई है, यानी कि जितने भी लोग शामिल हो रहे हैं काउंसलिंग में, मुश्किल से कुछ लोग हैं जो परीक्षा मतलब कि काउंसलिंग को छोड़े हैं, बाकी मैक्सिमम लोग जो है काउंसलिंग अपनी करवा रहे हैं। तो शिक्षा मित्रों के 37,339 पदों को छोड़कर 12 अक्टूबर को बेसिक शिक्षा परिषद ने 31,277 पदों को भरने के लिए जिला आवंटन सूची जारी की थी, और सूची जारी होने के बाद बुधवार को काउंसलिंग शुरू हुई। प्रदेश के अधिकांश जिले में 90% से अधिक चयनित शिक्षकों ने उत्साह के साथ अपनी काउंसलिंग को पूरा करवाया है। बेसिक शिक्षा परिषद के उप सचिव अनिल कुमार ने बताया कि प्रदेश के हर जिले में पहले दिन की काउंसलिंग बिना किसी बाधा के पूरी हो गई। उन्होंने ये भी बताया कि पहले दिन जो अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाए उन्हें भी मौका दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि दूसरे दिन अभ्यर्थियों को बुलाया गया है, उनके साथ छोटे अभ्यर्थियों को भी मौका दिया जाएगा। और दोस्तों, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 के तहत हिंदी विषय के चयनितों के दस्तावेजों का सत्यापन आज से शुरू हो रहा है। तो आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत 15 विषयों में 10,768 पदों की भर्ती निकाली थी। 13 विषयों में 7,481 पदों के सापेक्ष सफल रहे 4,243 को नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया चल रही है।
हिंदी में 1433 पदों के सापेक्ष 1432 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। पुरुष अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 15, 16, 19, 20, 21, 22 और 23 अक्टूबर को होगा। महिला अभ्यर्थियों का सत्यापन 26, 27, 28, 29 अक्टूबर और 2, 3, 4 और 5 नवंबर को करवाया जाएगा। पूरी जानकारी आपको upsc.up.nrc.in पर अवेलेबल है, वहां पर जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। पीसीए 2020 की जो उत्तर कुंजी जारी हुई है, हालांकि हर बार की तरह इस बार भी अभ्यर्थी उस पर ऑब्जेक्शन जरूर करेंगे और बहुत सारे अभ्यर्थी इससे असंतुष्ट भी हैं। चारों सीरीज में इस प्रकार की गड़बड़ियां अभ्यर्थी बता रहे हैं। अभ्यर्थी साक्ष्य देकर, प्रत्यावेदन देकर आपत्ति दर्ज कराने की तैयारी कर रहे हैं। आयोग ने अभ्यर्थियों से 19 अक्टूबर तक साक्ष्य के साथ प्रत्यावेदन मांगा है। और 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में बात करें तो फर्जीवाड़ा में सरगना समेत 12 लोगों पर लगा गैंगस्टर। सरकारी नौकरी दिलाने को लेकर अभ्यर्थियों से ऐठी जाती थी रकम। तो दोस्तों यहां पर खबर यह है कि शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा में मुख्य सरगना समेत 12 लोगों पर सुराव थाने की पुलिस ने गैंगस्टर की कार्रवाई की है। ये सभी सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर अभ्यर्थियों से लंबी रकम वसूलते थे। एसटीएफ और सुराव पुलिस ने संयुक्त रूप से शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा का पर्दाफाश किया था। बहरिया थाना क्षेत्र के कपसा गांव निवासी केएल पटेल उर्फ कृष्णलाल पटेल को गिरफ्तार कर लाखों रुपए बरामद किए गए थे। पूछताछ में पुलिस को पता चला था कि गैंग का लीडर केएल पटेल अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर सरकारी नौकरी दिलाने की बात कहकर अभ्यर्थियों से मोटी रकम लेता था। फर्जी दस्तावेजों के सहारे कुछ लोगों को सरकारी नौकरी भी दिला चुके हैं। इसके बाद पुलिस ने तुला रामबाग के संतोष कुमार बिंद, बारी कोरेना भदोही के रुद्रपति दुबे, भरवन का पूरा लक्षानापुर नवाबगंज के हरिकृष्ण सरोज, कस्तूरीपुर होलागढ़ के कमल पटेल आदि तमाम लोगों को यहाँ पर पकड़ा गया है और अब इन लोगों के जो विरुद्ध है वो गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अगली खबर पर। आपको बता दें कि एडेड डिग्री कॉलेजों में प्राचार्य भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली जो विशेष अपील थी वो खारिज हो गई है। तो कोर्ट ने वर्ष 2010 के रेगुलेशन से की जा रही भर्ती को वैध करार देने के एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया है। एकल पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अपील खारिज कर दी गई है। दोस्तों यह आदेश न्यायमूर्ति एम एन भंडारी और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने डॉक्टर हेम प्रकाश व 3 अन्य की विशेष अपील पर दिया है। अपील पर अधिवक्ता हिमान सिंह व आयोग के अधिवक्ता राजीव सिंह ने बहस की है। आयोग ने 2 मार्च 2019 को प्राचार्य पद की भर्ती का विज्ञापन निकाला था। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 18 जून 2019 थी, जबकि 18 जुलाई 2019 तक सत्यापन किया गया था। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने परिनियम में 2018 में संशोधन किया है, उसे राज्य सरकार ने 28 जून 2019 को लागू किया है। याचिका का कहना था कि प्राचार्य भर्ती नए संशोधित नियम 2018 से की जानी चाहिए। एकल पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि 2018 का संशोधन लागू होने से पहले आवेदन जमा करने की तारीख समाप्त हो चुकी थी, इसलिए 2010 के नियम से ही भर्ती कराना सही है। तो ये पूरी जानकारी है। और दोस्तों आपको बता दें कि अब राजधानी दिल्ली में फिलहाल ये जो प्रक्रिया शुरू हो रही है, लेकिन लग रहा है कि जल्दी ही पूरे देश में लागू हो जाएगी कि 20 छात्रों से अधिक छात्रों वाले कोचिंग संचालकों को अपना पंजीकरण कराना होगा। तो खबर ये है कि राजधानी दिल्ली में चल रहे निजी कोचिंग सेंटरों पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। इन पर नियमन को लेकर दिल्ली सरकार एक फ्रेमवर्क तैयार कर रही है। नई नीति के तहत 20 से अधिक छात्रों की क्षमता वाले कोचिंग सेंटर संचालकों को अब दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय में पंजीकरण कराना होगा। वहीं सरकार द्वारा तय किए गए मानदंडों को भी पूरा करना होगा। तो फिलहाल कोचिंग सेंटरों द्वारा दी जाने वाली बुनियादी सुविधाओं, फीस, क्षेत्रफल का उपयोग और सुरक्षा उपायों के संबंध में जानकारी इकट्ठा की जाएगी। आम जनता, ट्रस्ट, सोसाइटी और निजी कोचिंग सेंटरों जिनकी क्षमता 20 छात्रों से अधिक है, उन्हें 15 अक्टूबर तक निर्धारित प्रारूप में शिक्षा निदेशालय को जानकारी देनी होगी। शिक्षा निदेशालय के सहायक निदेशक योगेश पाल सिंह ने कहा कि राजधानी में विभिन्न निजी कोचिंग सेंटर चल रहे हैं जो इंजीनियरिंग और मेडिकल की प्रवेश परीक्षाओं समेत अन्य तैयारी कराते हैं। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विषयों के संबंध में भी पढ़ाने वाले कोचिंग सेंटरों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। यही वजह है कि राजधानी में पूरे देश और प्रदेश में छात्र छात्राएं तैयारी करने के लिए आते हैं। यह कोचिंग सेंटर किसी नियमन के दायरे से बाहर अपनी समांतर शिक्षा प्रणाली पर चल रहे हैं, जो बच्चों के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं। उन्होंने गुजरात के सूरत में कोचिंग सेंटर में हुई आगजनी में 22 छात्रों की घटना की याद दिलाते हुए कहा कि इस मामले में सरकार का कोचिंग सेंटरों के लिए दिशा निर्देश बनाने की ओर ध्यान खींचा है। अब कोचिंग सेंटर द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, सुरक्षा मानक और फीस संरचना के बारे में भी जानकारी इकट्ठा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार की नजर में ऐसे कई मामले देखने में आए हैं जिनमें कुछ निजी कोचिंग सेंटर धोखाधड़ी के
मामलों में शामिल हो रहे हैं, लेकिन नियमन की वजह से उन पर शिकंजा कसना मुश्किल हो जाता है। तो इस संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA ने भी इस वर्ष फरवरी में 20 छात्रों से अधिक क्षमता वाले कोचिंग संस्थानों को बिल्डिंग नियमों के अनुसार शैक्षणिक भवन की श्रेणी में बांटा था। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी जानकारी और पूरी अपडेट्स। अगर आप डेली करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश के साथ साथ इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की ID है स्टडी विद ज्ञान, लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच दोस्तों, और मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।